पीड़ित थी। जीवन कठोर था, लेकिन उस दिन उसने बॉक्सिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। कुछ ही समय बाद उसका स्तर विश्व स्तर तक बढ़ गया। आज की फिल्म देखने में बहुत ही मजेदार है। वो बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए उसने विरोध किया। महिला को अपने पति से इत्र की गंध आई, यह दूसरी बार था। उसने उससे पूछा कि क्या उसकी कोई दूसरी प्रेमिका है। महिला बेहद गुस्से में थी। एक थप्पड़ ने महिला को चौंका दिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका पति, जो उसके साथ 6 साल से था, उसे पीटेगा। वो आगे बढ़ा और उसने उसके चेहरे पर मुक्का मारा। वो उसे धमकाता है, घर में वो कमाता है तो नियम भी उसी के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। उसने उसे घर पर रहने और घर का काम करने के लिए कहा। चोट के साथ महिला को यकीन नहीं हो रहा था। जाने से पहले उसने खुलकर कहा। इस बार उसने कोई बहाना नहीं दिया, उसका अफेयर चल रहा था। नायिका का नाम स्लिम है। वो और उसके पति मिच एक रेस्टोरेंट में मिले थे। उस दिन एक बदमाश ने उसे छेड़ा और मिच उसकी मदद के लिए सामने आया। ऐसे ही वे एक परिवार बन गए। उसने और मिच ने एक बच्ची को जन्म दिया। उस दिन उसने देखा कि उसका पति बहुत खुश है। 6 साल बाद एक दिन उसे पता चला कि उसके पति का पहली बार अफेयर चल रहा है। मिच उससे माफ़ी मांगता है, उसे दिलासा देता है। प्यार की वजह से स्लिम ने उसे माफ कर दिया। अप्रत्याशित रूप से दूसरी बार उसने अपना असली चेहरा दिखाया। अगली सुबह वो घरेलू हिंसा पर सलाह लेने के लिए पुलिस के पास गई। पुलिस ने कहा कि अगर उसके पास सबूत होंगे तो वे उसे पकड़ लेंगे, लेकिन मिच के पास जमानत के लिए पर्याप्त पैसा है, तो इसका मतलब है कि उसके रिहा होने के बाद भी उसे पीटा जाएगा। इसका मतलब यह भी है कि स्थानीय पुलिस बेकार है। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। उसके सबसे अच्छे दोस्त के पास एक विचार था। रात में जब उसका पति गहरी नींद में सो रहा था, तब वह चुपके से उठी। अपना सामान समेटने के बाद वो अपनी बेटी को ले जाना चाहती थी और भाग गई। उसने अपनी बेटी को गले लगाया और धीरे से बाहर चली गई। जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाली थी, मिच अचानक बाहर निकल आया। उसने स्लिम के बाल पकड़ लिए, बार बार उसके पेट में लात मारी। बाहर इंतजार कर रहे उसको दोस्तों को कुछ गलत लग रहा है। उन्होंने हथियार पकड़े और अंदर भागे। वे घर में घुसे, मिच बंदूक पकड़े हुए है और स्लिम फर्श पर बेहोश होकर पड़ी है। एक आदमी ने बेटी को उठाया ताकि वो अपने पिता का चेहरा देख सके। मिच अपनी बेटी के दिल में कोई बुरा प्रभाव नहीं छोड़ना चाहता। उसने बंदूक को अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। माँ और बेटी को सफलतापूर्वक बचा लिया गया। वे होटल पहुँचते हैं और पाते हैं कि स्लिम के बैंक कार्ड को मिच ने फ्रीज कर दिया है। वो केवल अपनी बेटी के साथ एक मोटल में छिप सकती थी। जैसे ही वो अंदर जाती है, मिच ने उन्हें फोन करने की चाल का इस्तेमाल किया। बाहर कोई दरवाजा खटखटा रहा है। वो जल्दी से अपनी बेटी को गले लगाती है और पिछले दरवाजे से भाग जाती है। वो अपनी बेटी को पकड़ लेती है और पागलों की तरह बस में भाग जाती है। सौभाग्य से मिच उन्हें पकड़ नहीं पाया। भागने के बाद वो एक अहम फैसला भी लेती है। घरेलू हिंसा से बचने के लिए वो विदेश में अपने पूर्व प्रेमी के घर जाती है। उसका पूर्व खुश है, लेकिन अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वो आदमी दरवाजे के पास गया और देखा लोगों का एक समूह जो स्वयं को FBI बता रहा है। आदमी ने लोगों को अंदर आने देने के लिए दरवाजा खोला। इस दौरान स्लिम भी फरार हो गई। बड़े और ताकतवर लोग घर में घुसे और हंगामा करने लगे। यह बहुत स्पष्ट है कि यह लोग मिच के जूनियर हैं। उन्हें स्लिम नहीं मिली। जाने से पहले उन्होंने उस व्यक्ति को चाकू से सच बोलने की धमकी दी। उन्होंने उसे एक फोन दिया, सोफा कुशन फाड़ दिया। स्लिम के बाहर आने के बाद फोन की घंटी भी बजी। यह मिच था, उसका अच्छा पति। अपने पूर्व प्रेमी को परेशान न करने के लिए स्लिम ने उसे एक बार फिर छोड़ दिया। वो एक दूर देश में चली गई। उसने एक नए जीवन की योजना बनाते हुए अपने बाल काटे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, बेटी ने यह कहकर मुसीबत खड़ी कर दी कि उसे अपने पिता की याद आ रही है। स्लिम उससे यह अधिकार नहीं लेना चाहती। उन्हें उससे बात करने के लिए दूर एक फोन बूथ मिला, पर वो नहीं जानती थी मिच किसी का उपयोग करता है और फोन बूथ के स्थान की जाँच करता है। उस दिन स्लिम घर पर कपड़े तह कर रही थी। पलटते ही वो चौंक गई। मिच ने उसका मुंह ढंक लिया, उसकी गर्दन खींच ली और उसे पीटा। उसने उसे पटका और उसका गला घोंटने लगा। बेटी ने यह सुना तो वो बाहर भागी। छोटी लड़की मिच के बाल पकड़ने लगी और उसकी आंखों को ढंक लिया। स्लिम ने मिच के चेहरे पर मिर्ची स्प्रे करने का अवसर लिया। उसने अपनी बेटी को गले लगाया और बाहर भागी। उसने मिच को घर में बंद कर दिया। यह सभी चीजें हैं जो वो दुर्घटना की स्थिति में तैयार करती हैं। वो बहुत दूर नहीं गई थी। अचानक मिच के जूनियर्स ने बाहर शीशे पर दस्तक दी। स्लिम ने इस आदमी को देखा और वो जम गई। यह वो शख्स था जिसने 6 साल पहले उसे छेड़ा था। यह सब मिच द्वारा व्यवस्थित किया गया था। उसने एक्सीलेटर पर कदम रखा और तेजी से गाड़ी भगाई। एक काली गाड़ी ने उसका पीछा किया। स्लिम बैरिकेड्स का इस्तेमाल करते हुए फैक्ट्री में घुस गई और बच गई। कुछ समय बाद उसने मौजूदा स्थिति को हल करने के लिए एक वकील की मांग की। वकील ने कहा कि उसने 2 मौके गंवाए हैं।
क्योंकि घरेलू हिंसा में शरीर पर घाव जरूर होते हैं। मिच ने अब हिरासत के लिए मुकदमा दायर किया है। अगर स्लिम अदालत में पेश नहीं होती है तो वह संरक्षकता खो देगी, यानी बेटी सिर्फ मिच की हो सकती है। लेकिन अब स्लिम के दिखाई देने पर मिच उसे मार डालेगा, क्योंकि मिच उस क्षेत्र का एक धनी व्यक्ति है, वो बहुत शक्तिशाली है। अब स्लिम के पास कोई रास्ता नहीं था, वो अब और नहीं सह सकती थी, उसे अब लड़ना होगा। उसने अपनी बेटी को विदेश यात्रा करने वाले अपने दोस्तों को दिया। स्लिम ने पहल करने का फैसला किया, क्योंकि उसके पति ने उसे प्रताड़ित किया था। उसने बॉक्सिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी। वो उसे कौशल सिखाने के लिए एक पेशेवर कोच को आमंत्रित करती है। उसने कड़ी मेहनत की, 3 अंगुलियों को सीधे मौसम्बी में डाल दिया। प्रतिक्रिया गति का अभ्यास करने के लिए थ्रो बॉल का उपयोग किया। सटीकता का अभ्यास करने के लिए प्रशिक्षक से लड़ी। जवाबी हमले का अभ्यास करने के लिए ट्रेनर से उसका गला घोंटने को कहा। यह एक प्रताड़ित महिला का क्रोध है, यह एक महिला का असहनीय गुस्सा है। वो अब वो कमजोर महिला नहीं बनना चाहती थी, उसे मजबूत बनना था, उस घातक भाग्य से लड़ना था। कुछ महीनों के बाद स्लिम मजबूत हो गई थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की रोशनी थी, उसके छोटे से शरीर में भाग्य पर युद्ध की घोषणा करने की शक्ति थी। वो बहुत खुश थी, वो जानती थी कि विरोध का समय आ गया है। शाम को स्लिम ने मिच के घर में प्रवेश किया। वो छोटी बार पर चढ़ गई। दरवाजे को अनलॉक करने के लिए उसने एक उपकरण का इस्तेमाल किया। घर में घुसने के बाद वह ध्यान से छत पर छिप गई। वह रात भर उसी पर पड़ी रही। मिच को नहीं पता था कि क्या हो रहा है, वो बाहर चला गया। उसके जाने के बाद स्लिम नीचे आ गई। उसने पीला बैग खोला और अपने औजार निकाले। सबसे पहले फोन के तार को काटने के लिए छोटे सरौता का उपयोग किया। फिर घर के सभी लोहे के हथियारों को इकट्ठा किया। इसमें चाकू, बंदूक, तलवार, हलबर्ड, हथौड़ा शामिल है। दराज में बंदूक की खोज के लिए डिटेक्टर का उपयोग किया। तैयार कस्टडी आवेदन को दराज में रखा। घर में सिग्नल ब्लॉकर लगाए। फिर उसने कमरे को फिर से व्यवस्थित किया, क्योंकि वो एक बड़ी शतरंज की बिसात लगाना चाहती थी। लड़ाकू जूते पहन लिए और हैंड रिंग को उंगलियों में पहन लिया। उसके हाथ में एक कपड़ा लपेटा और मिच के लौटने का इंतजार किया। रात में मिच के घर में घुसते ही बत्तियां बुझ गईं। कुछ गलत होने का एहसास होने पर उसने एक बंदूक खोजने के लिए दराज में देखा। उसे बंदूक नहीं मिली, लेकिन उसने हिरासत समझौते पर अपना फिंगरप्रिंट छोड़ दिया। मिच ने फोन करना शुरू किया, लेकिन तार कट गई थी। उसके फोन पर भी कोई सिग्नल नहीं था। फिर स्लिम कोने से बाहर निकल आई। मिच ने इसे देखा और उस पल वह खुश था। उसने स्लिम को देखा और हंसने लगा, बहुत अद्भुत। फिर स्लिम ने कदम आगे बढ़ाया और उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। अगला थप्पड़। मिच गुस्से में था। इसके तुरंत बाद वार बंद नहीं हुए। मिच ने अपना सिर घुमाने का नाटक किया, फिर मुक्का मारने की कोशिश की। स्लिम नीचे कूद गई। मिच ने अनुमोदन से सिर हिलाया और उसका पीछा किया। वो नहीं जानता था कि यह सब स्लिम की योजना का हिस्सा था। स्लिम ने उसकी नाक पर मुक्का मारा। मिच आगे बढ़ता है। स्लिम फिर से चकमा देती है। सजावटी फूलदान गिरा दिया। स्लिम के जानबूझकर प्रलोभन के तहत घर को अस्त व्यस्त कर दिया। साथ ही अपने बहुत से उंगलियों के निशान भी छोड़ जाती है। मिच अभी मूल रूप से स्लिम का विरोधी नहीं है। उसके पूरे नाक और मुंह से खून बह रहा है। स्लिम ने उसे पागल बनाने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करना बंद नहीं किया। मिच गला घोंटने लगा। स्लिम को एक बचाव का रास्ता दिख रहा है। फिर वो मुड़ी और उसकी कोहनी से मारा, गर्दन को पकड़ा और सिर को घुटने से मारा। मिच जमीन पर गिर गया अचल। उसने उसे अंतिम झटका देने के लिए अपनी प्लेट का इस्तेमाल किया, लेकिन अंत में वो नहीं कर सकी। उसने अपने दोस्त को फोन किया और कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। उसकी पीठ के पीछे मिच ने उस पर वार करने के लिए एक प्लेट का इस्तेमाल किया। स्लिम खड़ी हुई और मिच को नीचे गिरा दिया। वो उसके दुर्व्यवहार के हर दृश्य को याद करती है। उसे याद आया कि कैसे इस आदमी ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। इस दौरान वो बेरहमी से उसे मरने लगी। अंत में उसने मिच को लात मारी सीधे मेज पर। मिच को मरा देख उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गईं। उसने हत्या के उपकरण को पानी में फेंक दिया। कुछ समय बाद स्लिम ने पुलिस को सतर्क किया और FBI आ गई। उन्होंने हिंसा के दुखद दृश्य को देखा। अंत में स्लिम को उसके बचाव के कारण निर्दोष माना गया। कभी कभी जब मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, झुको मत, खुद को मजबूत बनाने से मत डरो। अक्सर हिंसक बुरे आदमी को शक्ति का गर्व होता था। रिवेंज बॉक्सिंग का अभ्यास और यह सारी व्यवस्था की गई थी। और भी रोचक फिल्मों के लिए